हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉक विद शिवी चैनल। आज हम आपके लिए बजट पर 10 पंक्तियां लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। किसी वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय विवरण को केंद्रीय बजट कहते हैं। सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल विवरण होता है। सरकार बजट के जरिए विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित कमाई और खर्च का विवरण पेश करती है। भारत में वित्त वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। देश का केंद्रीय बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। देश में किसी साल उत्पादित प्रोडक्ट या सर्विसेज के मौजूदा बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। देश का बजट इसी पर आधारित होता है। बजट बनाने की तैयारी करीब 6 महीने पहले यानी आमतौर पर सितंबर में ही शुरू हो जाती है। 2020 से ही देश में पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020, 2021 और 2022 में भी पेपरलेस बजट पेश कर चुकी हैं। बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना जरूरी होता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद बजट आगामी वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी 10 पंक्तियाँ बजट पर। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।